एक तरफ छठ की भीड़, प्रशासन की चौकसी और दूसरी तरफ दिन दहाड़े मुख्य चौराहे पर घर में चोरी। जी हां, लालगंज में चोरी और लूट की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासन भीड़ संभाल रही है तो उधर चोर चुपके से घर में डाका डालकर पूरा सामान साफ कर जा रहे हैं। ताजा मामला वैशाली जिले के लालगंज का है, जहां महाराणा प्रताप चौक स्थित एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया, वो भी दिन के उजाले में। दरअसल लालगंज मानपुर महाराणा प्रताप चौक स्थित स्वर्गीय जगदीश शर्मा के घर में चोरी हो गई। चोर दिन के उजाले में छठ की भीड़ में भी चोरी करके वहां से फरार हो गए। घर वालों ने बताया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसके बाद त्योहार की इसी घड़ी में घर में माहौल उदासीन हो गया है। दोपहर के करीब 1:30 बजे यह घटना हुई, जब घर में कोई नहीं था। घर वाले अपने अपने दुकान व्यापार में व्यस्त थे और एकमात्र बूढ़ी माँ थी जो थोड़े समय के लिए पड़ोस के घर में गई थी। लेकिन जब वह 1 घंटे के बाद लगभग लौटी तो उनका माथा ठनक गया। चोर पिछले दरवाजे से लांघकर अंदर दाखिल हुए और इस बीच घर का एक एक सामान साफ कर गए। सड़क पर चलने वाले लोगों को उसकी भनक तक न लगी। हर रूम के हर अलमारी को तोड़ दिया गया। सारे कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि प्रथम दृष्टया किसी एक आदमी का काम नहीं लगता। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लालगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। दिन दहाड़े लालगंज में हो रही ऐसी वारदातें कहीं न कहीं ये साफ साबित कर रही है कि नगर क्षेत्र में प्रशासन का डर अब खत्म हो गया है। तभी तो चोर अब दिन के उजाले में शहर के व्यस्ततम जगहों पर भी प्रशासन को ठेंगा दिखाकर 9-2-11 हो जा रहे हैं। हम लोग दुकान पे थे, घर में कोई नहीं था। माँ बगल के घर में गई हुई थी, घर में कोई लेडीज भी नहीं था और सब सामान घर ताला तोड़ के सब सामान घर का ले गया। कितना क्या नुकसान का अनुमान है अभी तक? मेरे रूम से 45,000 रुपया कैश ले गया और बाकी दूसरे कमरे से और मेरे भाई के रूम से 5-6 लाख रुपया का और सोना का सामान ले गया। तो आपको कैसे मालूम चला और क्या देखे आप जब आए यहाँ घर में? किसी ने बगल का आदमी ने किसी ने फोन करके, गुड्डू शर्मा एक बगल के हैं, वो हमको फोन करके बताए कि हम दुकान पे थे तो फोन गया तो बताए कि घर में आपका चोरी हो गया। तो हम दुकान बंद करके दौड़ते गाड़ी से आए हैं तो पूरा सामान छितराया हुआ था, ब्रीफकेस के सब खुला हुआ था, दीवान का ताला टूटा हुआ था, सब बॉक्स सब का सामान छितराया हुआ था और मेरा पैसा गायब था और मेरे भाई के रूम में से ऊपर ताला तोड़ के ले गया सामान सब पैसा। और छोटे भाई का रूम को ताला तोड़ने की कोशिश किया गया लेकिन एक और दूसरे भाई का, लेकिन तोड़ नहीं पाया, उस रूम को टच नहीं किया, 3 रूम में से वो सामान लेके चला गया। नाम आपका? राजीव कुमार। 12:30 में गल की ना, हाँ। हम 1-1:30 बजे के लिए मकरी से, हाँ। 1:30 बजे हम के लिए जब आए तो घर में पूरा चोरी हो गया था। हाँ, तले आधा घंटा के अंदर में सब चीज चोरी। तो आए तो क्या देखे आप सबसे पहले घुसते हैं? हम देखनी घर हमारे गेट बंद है तो हम अपन गेट ताला खोल कर अपन हम अली जेना आबे छलिए बगल में बैठली तो तनिका चल गई। कहियो कतार कहियो गेली 10-11 महीना गेली तो बैठल छलिए वहाँ पर, तो बैठलिए बउआ के बतिया लेलिए पहले कि चल जाइए। कहिए तो ताला खोल कर गाड़ी में छलिए रुमाल में चाबी सिक्की पीर में रहे तो लगा कर ताला खोलिए तो कहते कि जाओ बक्सा कहाँ केकर बक्सा है। डर गेलिए शॉर्ट लग गए तो हम घर में तो कुछ कहते हैं जाए कहे ना राजीव कर देलिए तो राम बाबू के कहे के लिए कि हो राम बाबू राजीव बोलै है यहाँ बस तो मैं कहाँ रह देखू ना कैसे तोड़ फाड़ कर दिल्क ये तो कहते देख देखी तो ऊपर देखे 80 साल बापी तो डाकू है। घटना हुआ कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर बूढ़ी एक आए उनका माए और बुला के ले गए तो कहे कि जैसे राजीव आया है कम का लड़का, हमको लेकिन नहीं उनको नहीं आए। इसके बाद में जो है से गए हमको बुला के ले गए तो देखे कि माने सब छितराया हुआ है तो उनका लड़का पर फोन लगाए उसके बाद में जो ऐसे थाना का सूचना मिला, थाना लोग आया। क्या क्या हुआ है घर में? घर में चोरी हुआ है। क्या क्या सामान ले गया? जेवर ले गया, उसके बाद में जो है पैसा उनका 3-4 दिन का कैश था वो ले गया। वो लोग नहीं रहते थे क्या? हाँ, वो लोग दुकान पर। और घर के और सदस्य लोग? और लोग नैहर चल गया था उनका, सिर्फ बूढ़ी माँ थी। हाँ।